ਸਰ ਆਪਕਾ ਕਹਿੰਦਾ 500 ਚਿੰਨਾ ਤੇ ਮਨ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੱਕਰੇ ਖੁਦ ਜ਼ਬਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਰੋਂਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਬਾ ਕਰ ਲੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਬਾ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਬੈਗ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਕੜੀ ਹੋ अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू ए न्यू व्लॉग। मेरा नाम है उमैर आसिफ और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है हेज उमैर आसिफ। 11 तारीख है आज 11 जून 2023। 29 जून को बड़ी ईद है, ईद उल अज़हा जिसको हम बोलते हैं। इसका मतलब है कि ईद में रह गए हैं तकरीबन 19 दिन। हम लोग आ गए हैं बार्सिलोना से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में, जहां पे हम कुर्बानी के जानवर देखेंगे, बकरे देखेंगे। बार्सिलोना से बाहर आए हैं, इधर हम जो है ना ये अफगान का डेरा है और इस डेरे पे हम जो है ना कुर्बानी के जानवर देखने आए हैं। आज हम देखेंगे कि कोई जानवर जो है किसी में कोई नुकस तो नहीं है, किसी को कोई जख्म तो नहीं आया हुआ, वो देखेंगे और अपने जानवर जो है ना वो लैदा करेंगे। फिर ईद वाले दिन हम जो है ना ज़बह करेंगे और जिसके नाम की कुर्बानी होगी वो उसका नाम लेके कुर्बानी की जाएगी। बाकी वीडियो आगे जाके कंटिन्यू करते हैं। अभी और दोस्त भी आ रहे हैं पीछे, ये सारा कुछ कर रही है पाक फेडरेशन स्पेन, जो उन्होंने ऐड दी हुई है बकरों की और कुर्बानी के बारे में, वो भी इधर आपको नज़र आ रही होगी सामने। ये मैंने लगा दिया ऊपर, इधर रबते नंबर है, जिसने भी कुर्बानी करनी है वो इन रबता नंबर में से किसी को भी फ़ोन करके डिटेल पूछ सकता है। अभी आपके पास 4-5 और दिन होंगे बुकिंग करवाने के लिए। क्या प्यारा डेरा बनाया हुआ है बाबे ने, इधर सारे घोड़े हैं जो अभी उन्होंने धूप लगाने के लिए वो बाहर निकाले हुए हैं। ये सारा घोड़ों का एरिया है। यहाँ पे बारबेक्यू सिस्टम है, दोस्तों के साथ आए रात इधर गुजारें, बारबेक्यू करें, फुल माहौल, कुर्सियाँ छुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। बकरियाँ की एक झलक देखिए, जा के बकरियाँ उन्होंने पखे पुखे ला के रखे, चेक करो इंतजाम। माशाल्लाह, इसके बाद ये सारे खाना खा रहे हैं, इनको वो पाइपों से खाना आता है, पंखे उन्हें लगा के, क्योंकि वैसे काफी गर्मी है लेकिन मौसम यहाँ का अंदर का ठंडा मौसम उन्होंने रखा हुआ है। हर एक को टोकन लगा हुआ है, इनकी वैक्सीन होती है, इनका मेडिकल होता है, हर चीज चेक करके सेहतमंद किस्म के बकरे रखे हुए हैं ना। Entra y coge tu dos o tres hembras. Hembra de, ¿no? Esto es Dan. Esto es Dan. Vamos por parte, coge dos o tres. ¿Se va a correr o va? Por las dos mujeres se va a correr o no. जिस स्पीड से जा रहे हो तुसी ना फलिया, ताडे कोल ना फलिया गया। बकरा ना हो गया कुकड़ी हो गया। छह तरीका ठीक है, लातो दी अड़ा के ओ किधर नट चलना है। उन्हें क्या मर्जी दे, 3-4 बकरे लभो तो उन्हों का वेट कर दिया, जरा बाहर लाइयो वरना। बकरियां वाह, अच्छा जी अपनी मर्जी के हम लोगों ने 1, 2, 3, 4, 5, 6 बकरे ही है डिफरेंट किस्म के सिलेक्ट किए हैं। अभी इनकी हेल्थ चेक होगी, मेनू लगता है सारे एक तरह की कर लें। यस्सा
अच्छा जी वजन होगा हूँ तेती किलो वजन है वेखन च तो नहीं लगता पा तेती किलो बत्ती किलो त्री किलो उन्ती किलो त्री दे अगे पिछे ने सारे जेड़े ने ना हालांकि वेखन च नहीं सन लगते यार इस ते में समो इस ते ए काला फड़ लिए फड़ लिया अच्छा जी सिंको सिलेक्ट किए ने इन्हों का जाके हम वजन करते हैं इन्हों का वजन उन्ना तो ज्यादा होना चाहिए उधर अस्सलामुअलैकुम क्या है ठीक हो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल वजन कर लिया दूजिया का अच्छा अच्छा 33 किलो 30 किलो अच्छा ए हुण दूजे ने भेडू ये दस्ता सी पै के हफ्ते विच 2 किलो वजन है और इस तो पेकेनियो वध दे दो दे इसको सो सो पेकेनियो इसको सो लो कान को सो मास पेकेनियो अच्छा जी कला मैं ही फड़िया सी ज्यादा रंग डिफरेंट करने वास्ते ते ज्यादा वेट चेक करने आ अच्छा 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 हुन ता लिख लो बिल्कुल अच्छा जी बाकी 5-5 किलो जड़ा ना उस तो ज्यादा ने जो बेड़ है उसका लहदा वेट किया है और जो मेंड है उसका लहदा वेट किया है बेड़ का वज़न जो है वो तकरीबन बन रहा है 32-33 किलो और जो मेंड है उसका वज़न बन रहा है 37-38 के जी और इन दोनों के रेट में भी 30 यूरो का फ़र्क है 235 की बेड़ है और 265 का मेंड है तो वेट हमने आंखों के सामने करवाया रैंडम पकड़ के अब हम लोग सिलेक्ट करेंगे 80 के करीब मेरे ख्याल से जो रिजर्वेशन हो चुकी हैं तो वो साइड पे कर जाएंगे फिर ये उनका ध्यान रखेगा 15 दिन अच्छा वाह रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम है क्या बात है नाल जलेबियां जी जी इस टाइम मौजूद हूँ स्पेन के शहर बार्सिलोना में ईद अज़हा के हवाले से जो कुर्बानी का जो अहम मसला है वो यूरोप में भी खासकर स्पेन में 5 साल से इनकार किया जा रहा है इसमें
पाक फेडरेशन इंतजामिया मुकम्मल तौर पर यहाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आज यहाँ आपके जितने भी मीडिया के दोस्त आए हैं, आपने यहाँ जानवरों को देखा है, और हम हर साल तकरीबन यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी और खसूसन जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनको कुर्बानी की सहूलत फराहम करते हैं, और हमें खुशी है कि हम बाकायदा जो इस्लामी तरीका है उसके मुताबिक ही यहाँ कुर्बानी करने की कोशिश करते हैं। उसमें सबसे पहली बात जो जानवर की उम्र है उसका ख्याल रखते हैं, और उसके बाद उसका वज़न जो है वो होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो ये है कि नमाज ईद के बाद जो है वो तकबीर कही जाए, और इसका भी हम बाकायदा ख्याल रखते हैं। और ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद हम स्पेशली ख़ुद यहाँ आते हैं वादादेरों में और यानी ज़बह खाने में, और आके इन कुर्बानियों को करते हैं, और हमें खुशी है कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी भी जो है वो भी हमारे साथ मुकम्मल तआवुन कर रही है। अच्छा, सवाल मेरा ये था कि जब कुर्बानी होती है तब उस बंदे का नाम लिया जाता है कि इस बंदे के नाम की कुर्बानी है, या उसको पहले ही बकरे को कोई टैज लग जाता है, वो क्या प्रोसेस होता है उसका? जिस वक्त हम वहाँ जाके ज़बह करते हैं तो हमारे हाथ में बाकायदा जिन जिन लोगों की कुर्बानियाँ होती हैं उनकी एक लिस्ट होती है, और हर जानवर के साथ हम उनका नाम जो है वो पुकारते जाते हैं, और वो अंदर जाता है और जानवर पर तकबीर पड़ी जाती है, और फिर उसी तरतीब से आगे हमारे दूसरे दोस्त खड़े होते हैं, उनके हाथों में उनके नाम का स्टिकर लगा होता है, उन्होंने पकड़ा होता है, और जिस तरह वो कुर्बानी आगे जा रही है तो वो सारे उन पर स्टिकर लगाते जाते हैं। वाह माशाल्लाह। दूसरा सवाल मेरा ये था कि वैले कब आएंगे, वैले कब लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये बकरा 250 यूरो तकरीबन एक बंदे को पड़ता है, और वैला जो है वो सात बंदे मिलकर भी कुर्बानी कर सकते हैं, वो ज़्यादा ईजी रहेगा कम्यूनिटी के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ जी। उसके लिए ये बेसिकली देखें, ये वैले का जो सिस्टम होता है उसमें सात लोग मिलकर करते हैं, तो पाकिस्तान में या दीगर इस्लामी ममालिक जो होते हैं वहाँ तो ये होता है कि एक फैमिली के लोग होते हैं जो आपस में मिल जाते हैं, तो यहाँ ऐसा जो है वो फ़िलहाल लोगों में नहीं है कि वो आपस में मिल के तो कुर्बानियाँ करें। हर बंदा कोशिश करता है हम अपना एक इलाज बकरा ले लें, लेकिन हमारी कोशिश है कि इन फ्यूचर अगर ये मुमकिन हो तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि वो भी इस पर भी हम काम करें। ये देखो सर, आपका कहना है पाक फेडरेशन है, तो मन हौसला होया कि यार ये बकरे खुद ज़बह करवाते हैं, उन्हें मेरी गल सुनाई गई, मेरे अपने रोंगटे खड़े हो गए। कहें कि वो लड़का इतना बदलो ना, मैं चलो वह नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो कहें लड़का तो उकसाई की दुकान पर काम करता, कहें जनाब ईद करते होंगे ईद तो एक जो पहला ज़बह कर लेंगे, ज़बह करके शॉपिंग बैग बना के, और ईद वाले दिन जैसे ईद की नमाज़ हो जाती सी एक डेढ़ बजे असी बुला के लोगों को दे छड़ते क्या थोड़ा गोश आ गया, तो कहें इस तू बाद फिर मैं जरा ना कि मैं तौबा कर ली है कि दो साल हो गए ने मैं ना कदम कुर्बानी की है, तो ना ही मैं कदम कुर्बानी का बकरा किया। नमाज इतने पढ़ते हैं, नमाज पढ़ के कुर्बानी का प्रोसेस शुरू होता है, गोशत जाने तक हालांकि अभी बड़ी जल्दी करते हैं सारे दोस्त इतने जरा जल्दी जल्दी पहुंचे, फिर भी 3:30 बजे जरा ना उसे असि पिछली दफा मैं याद है राज साहब मैं शफीक तबसम साहब असं पूरे 6 बजे घरों निकले से सुबह, और 7 बजे का ये कबाने साली मस्जिद के असा नमाज पढ़ के गड्डी इशारे ला के रोड टिकलाए से गड्डी बह के असं सीधे माता बहरों गए हैं और काम स्टार्ट, फिर भी तकरीबन सानू 1-2 बज गए। चलें जी, सारे लोगों की बातें सुनी आप लोगों ने, उन्होंने बताया कि दुकानों पे जो कुर्बानी होती है वो एक रात पहले ही बकरा करके आपको गोश्त बना के दे देते हैं, सुबह जैसे ही नमाज होती है वो आपको कहते हैं जी ये ले आपकी कुर्बानी, लेकिन यहाँ पे बकायदा इस्लामी तरीके से नमाज पढ़ के आके मतदेरों में जाके खुद दोस्त कुर्बानी करेंगे। मैं ट्राई करूँगा कि मैं उस दिन भी आऊँ ईद वाले दिन नमाज पढ़ के इनके साथ, और वो वाला व्लॉग भी कवर करूँ कैसे सारा दिन वो कुर्बानी करेंगे, गोश्त बनाएंगे, और उनको जिन जिन के हैं उन तक पहुंचाएंगे। आज का व्लॉग यहाँ पर ही करते हैं ख़त्म, मिलेंगे किसी न्यू व्लॉग में किसी न्यू जगह पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।